हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर टाइम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपको पेज नंबर 140 पर दी गई है। एक्सरसाइज 10.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड्स। आपको इन सभी को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं हम। पहले आपको ये लिख लेना है 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड्स। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 4 मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो जैसा कि हमें पता है 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड्स, तो हमें फाइंड करना है 4 मिनट्स के लिए। तो हम 4 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 का। तो 4 × 60 जब हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 240 सेकंड्स। ठीक है, जितने भी मिनट्स को कन्वर्ट करना हो आप उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह का इसका देखिए सी वाला क्वेश्चन, इसमें 7 मिनट्स दिए गए हैं और 35 सेकंड्स। अब 35 तो ऑलरेडी सेकंड्स हैं, तो सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से ही सेकंड है। हम सिर्फ 7 मिनट को कन्वर्ट करेंगे और फिर जो आएगा उसमें 35 सेकंड्स ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेकंड्स हैं, तो 7 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ 7 में करेंगे 60 का मल्टीप्लाई। ठीक है, और 35 प्लस कर देंगे तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 7 × 60 आपका हो जाएगा 420, और जो 35 सेकंड्स थे उनको भी प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 455 सेकंड्स। इसी तरह के इसके बी और डी भी हैं, मैंने आपको ए और सी सॉल्व करके बताए हैं। आपको ए और बी, ए और सी तो करना ही है, साथ में आपको बी और डी भी इसका सॉल्व करना है। इसके बाद आते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। आपको मिनट्स में चेंज करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड्स और 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स, तो जो 1 आवर में मिनट्स होते हैं 60। ठीक है, अब देखिए आपको पूछा गया है 5 आवर्स में मिनट्स कितने होते हैं, मतलब 5 आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है। तो 1 आवर इक्वल 60 मिनट, तो 5 आवर इक्वल 5 × 60। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 300 मिनट्स। जितने भी आपको आवर्स को मिनट में चेंज करना हो आप उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, इसी तरह का इसका सी वाला क्वेश्चन है, 7 आवर्स 45 मिनट्स। अब जो 45 हैं वो तो ऑलरेडी मिनट है, तो मिनट को मिनट में चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ आवर्स को करेंगे, 7 आवर्स को। मिनट को हम क्या कर देंगे, उसमें ऐड। ठीक है, तो 7 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई सिर्फ 7 में होगा, तो 7 आवर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में तो हम 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम 7 आवर्स को चेंज करेंगे मिनट्स में। ठीक है, तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा, और उसके बाद हम इसमें 45 ऐड कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मिनट्स हैं, तो टोटल मिनट्स जो आ जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 465 मिनट्स। ठीक है, तो ए और सी ये हो गया है, आपको इसका बी और डी भी सॉल्व करना है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको मैथ्स की नोटबुक पे सॉल्व करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे।